हेलो मेरे भैया, तो कैसे हो आप सब। मैं आपका भाई कमल हूँ। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक पत्री। टेक पत्री में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नेट प्लस के एंड्रॉयड टीवी बॉक्स के बारे में, जिसे ATV भी बोलते हैं, उसकी फुल फॉर्म एंड्रॉयड टीवी बॉक्स। दोस्तों, अगर आप लगवाना चाहते हैं या लगवाने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बड़ी हेल्पफुल रहने वाली है। आप वीडियो को पूरा देखिए, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि क्या प्रोसेस है, इसको लगाने का फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, एंड्रॉयड टीवी बॉक्स को जो नेट प्लस की तरफ से हमें लगाया जाएगा, जो है ना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ मैं, ऐसा ये एंड्रॉयड टीवी बॉक्स होता है। और अगर आपके घर में पहले नेट प्लस फाइबर कनेक्शन ऑलरेडी है, आप तब भी लगवा सकते हैं। अगर नहीं है तब तो लगवा ही सकते हैं ना, फिर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनकी अब मैं देख रहा हूँ इंस्टॉलेशन फ्री आ रही है फाइबर कनेक्शन की। तो सिर्फ आपको एंड्रॉयड बॉक्स को लगाने के लिए आपको 2500 रुपये देने पड़ेंगे, चाहे आपके पास ऑलरेडी नेट प्लस का फाइबर कनेक्शन है चाहे नहीं है, ठीक है। अगर आप नया लगवाने जाओगे तो इनकी इंस्टॉलेशन अभी फ्री की जा रही है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं केबल टीवी चैनल भी देख पाऊँ, है ना, तो उसके लिए आपको 2500 रुपये उनको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो एक मेरे भाइयों को बड़ा मेन क्वेश्चन रहता है कि वो एंड्रॉयड टीवी बॉक्स अगर मैंने ले तो लूँ, पहले मेरे डाउट तो क्लियर हो जाए। डाउट क्या है? पहला डाउट ये है कि उसमें दोस्तों, अगर आप चैनल टीवी चैनल लाइव टीवी चैनल देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको दोस्तों केबल कनेक्शन होना बड़ा ज़रूरी है फास्ट वे का, क्योंकि फास्ट वे और नेट प्लस जो है ना, पहले केबल आती थी फास्ट वे की, तो उन्होंने ही ये नेट प्लस का जो जो है ना सारा जो उनकी अंडर में ही आता है, नेट प्लस इंटरनेट भी फास्ट वे के अंडर आता है। तो उन्होंने इन्होंने ऐसा अब किया है कि अगर आप इनका प्लान लेते हो 699 का, तो उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, 50 MB की स्पीड मिलेगी और 500 HD एंड SD चैनल मिलेंगे, बाकी इंटरनेट और कॉलिंग भी मिलेगी आपको। और ऐसे ही आप 799 पे अगर चले जाओगे तो आपको 500 HD और SD और 100 MBPS है ना मिलेगी इंटरनेट स्पीड, बाकी अनलिमिटेड है ही है। तो अगर आप 999 पे चले जाते हो तो आपको 500 HD और SD और 150 MBPS की स्पीड मिलेगी, और इसमें OTT एप्स भी देखने को मिलेगी, जिसमें Amazon प्राइम इंक्लूडर है, वूट वगैरह है ना, गाना वगैरह है, जो कोई शायद यूज़ करते होंगे पर मैं नहीं यूज़ करता। तो Amazon प्राइम और वूट अच्छा एक ऑप्शन है, बाकी Z5 वगैरह नहीं दे रहे हैं जैसे जियो एयरटेल दे रहे हैं। तो अगर दोस्तों आप आपके पास ऑलरेडी नेट प्लस का कनेक्शन है, तो आप एंड्रॉयड टीवी बॉक्स लेना चाहते हो, तो आप इनका आपको 699 वाला प्लान लेना पड़ेगा, जो कि GST लगा के समथिंग 800 कुछ रुपीस बनेगा। तो उसके लिए आपको पहले 2500 रुपये उस बॉक्स का देना पड़ेगा, एंड्रॉयड टीवी बॉक्स का। एंड्रॉयड टीवी बॉक्स का 2500 रुपये देना पड़ेगा, फिर वही 2500 के बीच में ही आपको वो जो आपकी बाहर से जो केबल लेके आएंगे, जो केबल नहीं चलती होती थी पहले, फास्ट वे की केबल होती थी, वो केबल आपके एंड्रॉयड टीवी बॉक्स में लगेगी, ठीक है। फिर वो टीवी बॉक्स में आपको चैनल देखने को मिलेंगे, जिसको आप HDMI के थ्रू अपने LED में कनेक्ट करोगे, ठीक है। HDMI आपके टीवी में, LED टीवी में सपोर्ट होनी ही चाहिए, तभी आप एंड्रॉयड टीवी बॉक्स को यूज़ कर सकते हो फास्ट वे वालों का, नेट प्लस वालों का। तो एक डाउट मैं क्लियर कर देता हूँ, इनके जो लाइव टीवी चैनल अगर आप देखना चाहते हैं, तो आपको इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है, आपको केबल की ज़रूरत है, इनकी वायर केबल जो बाहर से आएगी ना, केबल होती है, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। फिर आपके जो बॉक्स होता है एंड्रॉयड टीवी बॉक्स, उसके साइड में लगी होगी, जैसे आपने डिश में देखा होगा एक गोल सा पिन सा होता है, वैसे ही इसमें बना होता है, उसके बीच में लगेगी, और फिर ही आप लाइव टीवी चैनल देख सकते हो। इसमें इंटरनेट का यूज़ नहीं होता दोस्तों,
लाइव टीवी चैनल के लिए, अगर आप ओटीटी ऐप्स को यूज़ करना चाहते हो उसके लिए आपको वाईफाई आप कनेक्ट कर लें अपने एंड्रॉयड टीवी बॉक्स में और ओटीटी को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर लाइव टीवी देखना चाहते हैं तो आपको केबल कनेक्शन होना ज़रूरी है, और वो केबल कनेक्शन वो आपको आपके आपके पास 2500 रुपीज़ लेंगे। उसमें आपको क्या करेंगे, वो आपको केबल भी लगा के देंगे, ठीक है, मतलब कि है ना केबल लगा के देंगे और आपके लाइव टीवी चैनल को एक्टिवेट करके देंगे। हाँ, जो प्लान वगैरह है उसके पैसे तो अलग लगेंगे ही, जितने भी 699 वाला प्लान है, जो है ना जो 699 वाला प्लान है दोस्तों, इनका ए टी वी सुप्रीम एंटरटेनमेंट करके ना, उसको आपको लेना पड़ेगा। उसमें आपको 50 Mbps की इंटरनेट की स्पीड मिल जाएगी और 500 HD और SD चैनल देखने को मिलेंगे। आपको क्या, पहले आपको ना आप डिश का रिचार्ज एक्स्ट्रा करते थे और इंटरनेट का ना आप अलग करते थे, तो इन्होंने कंबाइन करके आपको एक ही रिचार्ज आपको करना पड़ेगा, फिर आप इंटरनेट भी यूज़ कर सकते हो और केबल भी यूज़ कर सकते हो। हाँ, 2500 में ये एंड्रॉयड बॉक्स देंगे, और जो प्लान का खर्चा होगा 699 उसका अलग से लेंगे, ठीक है। 2500 तो एंड्रॉयड बॉक्स की कीमत है, जहाँ फिर तार वगैरह जो आपको बाहर केबल वाली वो आपके बॉक्स में लगा के देंगे वो, है ना। बाकी HDMI, बाकी इसमें रिमोट वगैरह जो है वो इसके साथ ही इंक्लूडेड आपको एंड्रॉयड टीवी बॉक्स में देखने को मिलेगा। और OTT को यूज़ करने के लिए दोस्तों इंटरनेट की ज़रूरत है, लाइव टीवी को यूज़ करना चाहते हैं तो आपको केबल कनेक्शन होना ज़रूरी है, जो कि आपको नेट प्लस वाले जो आपको फाइबर कनेक्शन आपको लगा के दे गए थे, वो ही आपके केबल वाला भी कनेक्शन लगा के देंगे, ठीक है दोस्तों। बॉक्स एक ही होगा, एंड्रॉयड टीवी बॉक्स एक ही होगा, उसमें आप OTT भी यूज़ कर सकते हैं और लाइव टीवी भी यूज़ कर सकते हैं, उस पर वो केबल वाली वायर लगेगी जैसे पहले लगती थी, है ना दोस्तों। ये तो बात होगी क्लियर, ये डाउट मैंने आपका क्लियर कर दिया। हाँ, तो आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, सबसे पहले मैं दोस्तों आपको बता दूं कि मैंने इनके जो एंड्रॉयड टीवी बॉक्स की स्कीम तो बहुत बढ़िया है, पर दोस्तों है ना हमारे यहाँ पे, मैं अपना बता रहा हूँ, मैं आपका नहीं बता रहा हूँ, हमारे यहाँ पे पता क्या होता है, इनकी ना वायर वगैरह बड़ी दिक्कत आती है दोस्तों, इनकी पीछे से सर्वर डाउन हो गया है ना, केबल का मैं बता रहा हूँ, इंटरनेट का कभी इंटरनेट का भी होता है पर मैं केबल का बता रहा हूँ, इनका ना केबल पीछे से बंद कर लेते हैं, पता नहीं क्या है, तार वगैरह टूट जाती है, कुछ टूट जाता है, कुछ डाउन हो जाता है, क्या हो जाता है ना। तो मेरी राय ये है दोस्तों, आप लगवाना चाहते हैं लगवा सकते हैं, अगर आपके एरिया में इसकी सर्विस अच्छी है ना, आप भेदड़क लगा सकते हैं, पर मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है, बहुत लोगों की हमारे गांव में कंप्लेन है, इनका जो केबल है वो ठीक तरीके से काम ही नहीं करता। मान लो ये 20 दिन अच्छा चलेगा, 10 दिन खराब करेगा, आपका फेवरेट टीवी चैनल, फेवरेट आपका शो वगैरह आप मिस कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ये पंगा करता है। अगर आपने 699 वाला प्लान ले भी लिया और GST लगा के 800 कुछ रुपीस बनता है, तो आप प्रॉपर अगर उसका यूज़ ही नहीं कर, टीवी नहीं देख पा रहे, ऐसा बोलेंगे कि पीछे से भाई डाउन है, पीछे से नहीं चल रहा, हम क्या करें, है ना, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, इनकी ये प्रॉब्लम आती है। और इंटरनेट की तो यूज़ उसमें आएगी नहीं टीवी देखने के लिए, है ना। तो इंटरनेट इनका कम डाउन होता है, केवल इनकी ज़्यादा दोस्तों डाउन वगैरह होती ही रहती है। तो मेरी एक तो होगी इसकी ये कौन, है ना, और ये एंड्रॉयड टीवी बॉक्स है दोस्तों, ये इतना स्टेबल नहीं है, इतना इसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है ना। तो अगर दोस्तों मेरी राय आप जाना, अगर मैं आप अपनी राय आपको दूं, तो दोस्तों अगर आपको OTT यूज़ ही करनी है तो आप 5 TV स्टिक लो, है ना। अगर आपको लाइव टीवी वाला ये मज़ा लेना है, स्वाद लेना ही है आपको फास्ट वे वाले को, फिर आप लगा सकते हैं। बट अगर
आपको OTT यूज़ करने हैं, OTT के लिए यूज़ करना चाहते हैं, तो फायर TV स्टिक ले। बड़ी अच्छी फायर TV स्टिक, स्टेबल है दोस्तों, परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी है, लैग वगैरह नहीं करती। इनके इनका इनका थोड़ा लैग वगैरह का ही इशू मैंने देखा है, सुना है। और इनके जो नेटफ्लिक्स है वो भी अच्छी तरीके से काम नहीं करता है ना, मतलब कुल मिला के दोस्तों ये स्टेबल नहीं है, ठीक है। और OTT के लिए आप फायर TV स्टिक ज़रूर लें। अगर आप लाइव TV की बात कर रहे हैं तो लाइव TV के लिए दोस्तों, अगर इनकी तार वगैरह वायर वगैरह बार बार टूटती है, सर्वर डाउन होता है, तो आपको इसको लगवाने का कोई फ़ायदा नहीं है। 2500 रुपये दे के भी आप अपना 2500 रुपये ख़राब कर लोगे एंड्रॉयड TV बॉक्स के ज़रिए। इससे अच्छा दोस्तों ये आप कोई DTH लगवाओ, एयरटेल का लगवाओ, जियो का लगवाओ, है ना, एयरटेल का लगवा लो। मेरे पास एयरटेल का DTH लगा हुआ है, आप वो लगवा सकते हैं। बाकी जिस मर्जी का DTH लगवाओ। DTH में क्या होता है दोस्तों, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ना ही कोई सर्वर डाउन, ना तार टूटने का कोई झंझट, बेधड़क आप होके आप यूज़ कर सकते हो, TV चैनल देख सकते हो। कहोगे कि हमें तो वो सस्ता पड़ रहा है, सस्ता नहीं पड़ रहा है दोस्तों। मान लो आपको 499 वाला प्लान ले लिया अपने नेट प्लस इंटरनेट का, है ना, इंटरनेट का 499 वाला प्लान ले लिया, GST लगा के 590 रुपये बनेगा, ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों आपने इनका जो ATV वाला आप लोगे एंड्रॉयड TV बॉक्स के साथ, तो आपको 50 MBPS मिलेगी, ठीक है। तो वो 699 वाला GST लगा के आपको 825 या 830 रुपये पड़ेगा, ठीक है, 830 लगा लेते हैं, ठीक है, माइनस करेंगे 590 रुपये, 590, ठीक है। और 830 से मैंने माइनस किए 590 रुपये, बचे 240 रुपये, ठीक है दोस्तों। और 240 रुपये में दोस्तों आप एक DTH का एक अच्छा पैक ले सकते हैं, उसमें हाँ HD चैनल अगर लेंगे तो आपकी जो प्राइस है काफ़ी इंक्रीज चली जाएगी। मैंने क्या किया है दोस्तों, मेरे पास एयरटेल का DTH है, तो मैंने उसमें एक प्लान बनाया हुआ है अपना HD चैनल उसमें बड़े अच्छे देखने को मिलते हैं, अगर आपके पास अच्छी LED है। मैंने 280 रुपीज़ का मैंने एक पैक बनाया हुआ है एक मंथ का, ठीक है दोस्तों। 280 रुपये का 40 रुपये का फ़र्क पड़ा दोस्तों, 40 रुपये में क्या आता है, कुछ नहीं आता। अगर आप भी ऐसा करोगे तो आपका जो इंटरनेट है, इंटरनेट तो ठीक है, इंटरनेट तो यूज़ करेंगे, ठीक है, बट अगर आप लाइव TV के लिए एंड्रॉयड TV बॉक्स लेने जा रहे थे, तो मेरे हिसाब से जो मैं आपको ये बता रहा हूँ वो ठीक है। अगर आप इनका नेट प्लस फास्ट वे वाला बॉक्स लेना चाहते हो 2500 वाला, वो सही नहीं है, आप एयरटेल DTH ले लें। उसके साथ भी कई स्कीमें वगैरह निकलती रहती हैं, 3 महीने, 6 महीने, ऐसा करके ना, फिर बाद में आप एक अच्छा सा, एक लोएस्ट सा ना अपना एक पैक बना लेना, जैसे मैंने बनाया है 280 रुपये का एक मंथ का, ठीक है। अगर मैं कैलकुलेशन भी करूँ तो 830 बनते थे, आपको 500 चैनल मिलते थे और 50 MBPS इंटरनेट स्पीड मिल रही थी, ठीक है। अगर मैं कैलकुलेशन भी करूं तो 590 प्लस 280 870 रुपये बनता है, वो 830 कितने का फ़र्क, 240 रुपये का फ़र्क पड़ा, 40 रुपये में कुछ नहीं आता। तो ये मेरी राय है, बाकी आप अपना देख सकते हैं। बाकी दोस्तों ये है कि अगर आप इनका 3 महीने का रिचार्ज कर लेते हो 590 रुपये को, 590 रुपये वाला अगर आपने प्लान लिया है, 499 वाला GST लगा के 590 बनता है, अगर 3 महीने का इकट्ठा बिल दे देते हो तो आपको 100 MBPS की स्पीड मिल जाएगी, ठीक है। ऐसा कर सकते हो आप, 590 रुपये का जो बिल है आपका, वो 3 महीने का एक साथ चुका देते हो तो 100 MBPS की स्पीड मिल जाएगी, ठीक है। एयरटेल, जियो, जो भी आपको अच्छा पड़ रहा है, आप वो DTH लगवा लें, ठीक है। देखिए दोस्तों, आपको स्पीड भी अच्छी मिल गई है ना। अगर आप 5 महीने का इनका बिल दोगे, मतलब 590 रुपये
जो बिल है आपका वो 5 महीने वाला आपका बिल दे दोगे इनका, तो आपको 1 मंथ फ्री मिल जाएगा, 100 MBPS की स्पीड भी मिल जाएगी 590 रुपये में, ठीक है। तो एक तो ये आपका ये फ़ायदा हो गया। अगर आप दोस्तों ATV वाला प्लान लोगे तो वो आपको महंगा भी पड़ेगा, उसमें स्पीड भी इतनी अच्छी नहीं मिलेगी। हाँ, आप जो मैंने आपको बताया आप वैसा कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही होगी तो मेरे भाइयों लाइक कर देना, और कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, हमारी वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करना, और सब्सक्राइब कर देना टेक पत्री को, क्योंकि मैं आपका भाई कमल ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो आपके लिए लेके आता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। टेक पत्री को सब्सक्राइब करना मत भूलना।